गर्मी के मौसम में ताजमहल से पर्यटक दूरी बना लेते हैं। चिलचिलाती गर्मी में पर्यटक पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, जिसकी वजह से आगरा में पर्यटकों की आमद कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में आगरा के पर्यटन व्यवसायी वीकेंड पर ही आश्रित नजर आते हैं। गर्मियों का सीजन आते ही ताजमहल पर गर्मी का असर दिखने लगता है। ताज का दीदार करने आने वाले पर्यटक गर्मी के चलते ताज से दूरी बना रहे हैं। शायद यही वजह है कि ताज को निहाने की ख्वाहिश रखने वाले पर्यटकों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि ताजमहल पर पर्यटकों की संख्या में हो रही कमी का असर पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापार पर भी देखा जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों को केवल वीकेंड का ही सहारा रह जाता है। सर, उम्मीद है कि अगले महीने से थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अभी तो फिलहाल तो है ही गर्मी का प्रकोप, आप जानते ही हैं, आप खुद बाहर निकलने से घबराते हैं, इतनी गर्मी है कि हम खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं अभी तो। फुली देखो, अगले महीने से काम वाम दोबारा से अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाएगा। लगातार घटती संख्या की वजह से वहां मौजूद व्यापारियों की बिक्री में भी कमी देखने को मिलती है। शहर में जहां गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं ताजमहल सहित अन्य स्मारकों पर पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते पर्यटकों ने भी ताज नगरी से दूरी बना ली है। हालांकि रोमानिया की छुट्टियां होने से व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी। पर्यटन उद्योग के अंदर अभी व्यापार की गति थोड़ी सी कम है, क्योंकि इन दिनों टूरिस्ट बहुत ही कम होता है और आगरा का टेम्परेचर तो अधिकतर हाई लेवल पे जाता है। बट मे बी 20 जुलाई के बाद क्या है, यूरोप के अंदर छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो हम लोगों को दिखता है कि यूरोप के अंदर से थोड़ा सा मार्केट या इंडिया फ्लो करता है। वीकेंड के दौरान पर्यटकों की संख्या से पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यापारियों को कुछ राहत मिलती है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक पर्यटन का ऑफ सीजन रहता है। इन दिनों आगरा में तापमान अधिक रहता है, जिसके चलते देशी विदेशी सैलानी यहाँ आने से कतराते हैं। वहीं ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ जाती है। हर सप्ताह में यह संख्या घटती ही जा रही है। आगरा में तापमान अधिक होने के कारण ताजमहल और लाल किला घूमने आए पर्यटक भी गर्मी के चलते बेहाल दिख रहे हैं। स्मारकों का दीदार करने के लिए पर्यटकों को पानी और छाता का सहारा लेना पड़ रहा है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।